फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बेलकनी का कुछ एरिया। ये बेलकनी जो है अभी इस वक्त हमारी कैसी लगती है, कैसी दिखती है। देखिए, ये हमारी बेलकनी की एक साइड है और यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, मेरे प्यारे प्यारे से पैरेट्स भी इधर पड़े हुए हैं, पैरेट्स के केजीस इधर रखे हुए हैं। और क्योंकि हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है तो एक वार्डरूम यहाँ पे हमने ये इस तरह से रखा हुआ है, कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखने के लिए। तो ये हमारी बेलकनी इस तरीके से है और देखें ये लंबी है पूरी इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी हमारा कुछ इस तरह से बेलकनी का हशर नशर हुआ हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखें किस तरह से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका आपको कि हमारे घर में स्टोर रूम वगैरह नहीं है तो हम जो है बेलकनी को एज अ स्टोर रूम पर्पस भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें बिकती भी यहाँ पे नज़र आएगी। और अभी हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं और बेलकनी को खाली करते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो मेरे चैनल पे न्यू है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आपको बरवक्त मिलती रहे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने काम शुरू कर दिया है और मैंने ये सबसे पहले जो है सोचा कि सारा सामान जो है बेलकनी का मैं बाहर निकाल देता हूँ। रूम में कबर्ड्स है और जो जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है तो उनको बाहर निकालता हूँ तो बेलकनी खाली हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और उसके बाद फिर हम बेलकनी का मेक ओवर करेंगे और न्यू सेटिंग करके आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपना काम शुरू और आप लोग करें वीडियो को एंजॉय। फिर मिलते हैं आपसे।
जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बेलकनी जो है वो खाली हो चुकी है और जो जो सेटिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है। और ये देखें, हम लोग जो नर्सरी से प्लांट्स लेके आए हैं तो ये मैं आपको अभी इस वक्त दिखा रहा हूँ। देखें कितने ही खूबसूरत प्लांट्स है और कितनी प्यारी सी ग्रीनरी है। और ये देखें, खाली गमले भी मैं लेके आया हूँ नर्सरी से। और अब इसमें जो है हम कुछ अपने पुराने जो पॉट्स थे उसको इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे नए पॉट्स में, और कुछ हम नए पॉट्स में डलवा के ले आए वहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप। और ये सब अब हम करेंगे अपना काम स्टार्ट जल्दी से। और ये देखें, कलरफुल हमारे पॉट्स है, बहुत ही ज़बरदस्त अलग अलग कलर्स में हमने लिए हैं ताकि हमारी गैलरी जो है वो और मज़ीद निखर जाए। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं और इन पॉट्स में कुछ हमारे पुराने प्लांट्स है उसको लगाते हैं। और ये देखिए, एक बर्ड्स का ये स्टैंड है, ये भी हम वहाँ से नर्सरी से लाए हैं। और अब करते हैं हम इन सबको सेट जल्दी से, और फिर आपके साथ फाइनल हमारा बेलकनी का मेकओवर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, हमारी गैलरी खाली होने के बाद बेलकनी कुछ इस तरह से लग रही है। और देखें, खाली होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी बड़ी सी लग रही है। और मैंने सब कुछ हटा लिया है टोटली यहाँ से, और अब हम करेंगे हमारी बेलकनी का मेकओवर शुरू और प्यारा सा हमारा गार्डन बनाएंगे बेलकनी में, और आपके साथ भी शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, हमारी बेलकनी जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। और हमने यहाँ से जो जो चीज़ें हटानी थी, हमें काफ़ी सारा इधर सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कबर्ड था सामने, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो सब हमने हटा के और गैलरी को हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी बेलकनी का मेकओवर। तो सबसे पहले जो है, ये आपको वॉल पे नज़र आ रहा है कि ये एक बॉक्स टाइप का देखे बना हुआ है हमारे पास वॉल के अंदर, ठीक है ना। ये वॉल बाहर है और ये वॉल थोड़ी सी अंदर है, और यहाँ पे इस तरीके से देखे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को जो है थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो आएँ चले और इसको डेकोरेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं अजगर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सफरीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और आपके रिस्क में और हम सबके रिस्क में बहुत बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हो गए हैं एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो मेरे चैनल पे न्यू है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे इसी तरह से। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स या 5 रिलेटिव्स में आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, जरूर जो सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं प्लीज जाइए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हमारा व्लॉग देखिए। आप प्यार मोहब्बत वाले कमेंट कर लीजिए और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर दफ़ा मेरी कि कब ये 1K सब्सक्राइबर का जो मेरा ख्वाब है या सपना है ये पूरा होगा और कब हम इसकी सेलिब्रेशन भी आपके साथ करेंगे। और माशा अल्लाह आपको प्यार बहुत मिलता है। कमेंट्स का आपके वेट रहता है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और आज आपको शोर आ रहा होगा आपको वीडियो में। आज मैं बगीचे में आई हूँ झूले खाने। काफ़ी बैकग्राउंड से आपको शोर आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि आज हम इंट्रो बना रहे हैं हमारी बेलकनी में और आज का व्लॉग जो है वो बेलकनी को लेकर ही है। और आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं हमारी बेलकनी का मेक ओवर। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग देख ही चुके होंगे कि मैंने आपको अपनी बेलकनी का जो है बिफोर लुक आपको दिखा दिया है और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आफ्टर के। आफ्टर ऑफ कमाल लुक, ये हमारी बेलकनी जो है वो अब मेक ओवर के बाद कैसी लग रही है और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत प्यारी लग रही है, हमने बड़े दिल से और बड़े चाह से अपना एक छोटा बेलकनी में गार्डन बनाया है और इसका मेक ओवर किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चले चलते हैं जल्दी से और अपने फैमिली अपने YouTube फैमिली को दिखाते हैं हमारी बेलकनी का फाइनल लुक। रेडी स्टेडी गो। समरीन स्टार्ट करें हमारे आज का बेलकनी का जो है फाइनल लुक, दिखाएं फ्रेंड्स को। वेटिंग पे है तो चले हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। वेलकम वेलकम जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी बेलकनी के स्टार्टिंग में। थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हमारी बेलकनी जो है मेन रोड पे है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको शोर आ रहा होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखें ये हमारी स्टार्टिंग एंट्रेंस है बेलकनी की। तो एंट्रेंस पे हमने थोड़े से ऐसे छोटे मोटे पॉट्स वगैरह हमने रख दिए हैं और किस किस चीज़ के हैं वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, सबसे पहले हमने ये रखा हुआ है, ये एक बेल टाइप प्लांट है और ये बेल की तरह बेल की सूरत में जो है ये ऊपर जाता है। इसके बाद हमने 3 इस तरह के पॉट्स रखे हुए और ये आपको खाली इसलिए नज़र आ रहे होंगे कि इसमें हमने कुछ सीड्स वगैरह डाले हैं और वो अब कब तक इसमें से निकलते हैं प्लांट्स वो भी आपके साथ ज़रूर आगे शेयर करेंगे। फिर हमने देखे ये मनी प्लांट्स रखे हुए हैं और ये इस तरह से हमने अभी पानी के जार में रखे हुए फ्रेंड्स, तो इसको भी हम आगे चल के ज़रूर इसमें पॉट में शिफ्ट कर देंगे इसको। फिर इस तरह से ये देखेंगे हम जो नए पॉट्स लाए थे फ्रेंड, तो ये हमने नए पॉट में जो है इस तरह से मनी प्लांट यहाँ पर लगा दिया है और ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी देखिए हमने इस तरह के ये फ्लावर प्लांट्स रखे हैं लेकिन अभी इसमें फ़्लावर्स नहीं हैं। जब हम लाए थे तो इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स थे लेकिन अभी सीज़न के हिसाब से इसके फ्लावर्स जड़ गए हैं, तो इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट जब भी फ्लावर्स आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर मेंशन करूँगा। और फिर देखिए ये हमारी बेलकनी स्टार्ट यहाँ से हो रही है इसकी स्टार्ट गार्डन का। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बेलकनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अब आपको बताएंगी समरीन के हमने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमने ये मनी से शुरुआत, मनी 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 प्लांट,
ये हमारे दोनों प्यारे प्यारे मनी प्लांट से जी, तो हमने खूब ग्रो किया है अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दो मनी प्लांट इस तरह से रखे हुए हैं, और ये हमारा एंट्रेंस है यहाँ से बेलकनी का। ये हमारी हाफ गैलरी है जिसको हमने मेक ओवर किया है गार्डन की सूरत में। आपको दिखाएंगे खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा गार्डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, हमने ये ग्रास बिछा दिया इस तरह से। पहले आपने देखा होगा हमारी बेलकनी में कुछ भी नहीं था, इस तरह की ज़मीन थी, और फिर अब हमने यहाँ पे ग्रास बिछाया इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से हमने वॉल्स में भी जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसके, ये ग्रास लगाया है हमने दोनों तरफ। और फिर देखें, फिर आ जाता है हमारा प्यारा सा छोटा सा झूला, और हमने देखे फ्रेंड झूला भी लगा लिया। ये हमारे पास पड़ा हुआ था लेकिन हमारे यूज़ में नहीं था, तो हमने सोचा कि चले इसको भी यूज़ में लेते हैं। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो है ये झूला लगा दिया है फ्रेंड्स। और किसको पसंद है झूला और कौन खाता है झूला तो ज़रूर बताइएगा। और हमारी बेगम साहिबा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक है झूले खाने का। तो ये अक्सर जो है ना वो झूले में बैठी हुई आपको व्लॉग्स में नज़र आएंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद देखे यहाँ पे हमारी एक स्पेस थी छोटी सी, तो इस स्पेस में हमने ये देखे एक बड़ा सा प्लांट ला के रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें फ्लावर्स आएंगे कुछ टाइम के बाद। इसमें अभी तो जो है बहुत प्यारे से ग्रीन ग्रीन लीव्स है, और इसके बाद जो है इसमें जब फ्लावर्स आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारी ये ग्रिल थी, तो इस पर हमने लगा दिए हैं दो अदद कर्टन्स। ये हमारे पास इत्तेफाक से घर में अवेलेबल थे और ग्रीन कलर के कर्टन्स थे, तो हमने सोचा कि ये यहाँ पे गार्डन के हिसाब से अच्छे लगेंगे। तो हमने तो फ्रेंड्स ये हम जो है सुबह के मॉर्निंग के टाइम जो है कर्टेंस को साइड पे टाई कर देते हैं, ताकि सनलाइट जो है वो अच्छे से आए। और अब देखिए इस टाइम जो है शाम के टाइम हम इस तरह से कर्टेंस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारा कॉर्नर था, और इसको देखे हमने किस तरह से डेकोरेट किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे आप। हमने सारे प्लांट्स जो है इस तरह से एल शेप में हमने पूरी बेलकनी में लगा दिए हैं, और जो एक हमने बर्ड्स वाला स्टैंड लिया था वो भी हमने सामने लगा दिया है फ्रेंड्स। तो ये कैसे तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको उस तरफ चल के आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब से। तो ये देखे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है इस तरह से, ये हमारे पास एक शोपीस था घर में अवेलेबल, ये कैटल है, तो ये हमने यहाँ पे रख दी है इस तरह से ग्रास पे। और इसके बाद ये देखे ये हमने मिट्टी के छोटे छोटे से बर्तन लिए थे फ्रेंड्स, तो ये भी रखे हमने यहाँ पे, इसमें एक कैंडल भी लगाई है। और ये देखे एक मिट्टी का घर नुमा बना हुआ है हाउस, तो ये भी हमने लिया था फ्रेंड्स। और ये आपको लोकल वेंडर से मिल जाएगा जिनके पास मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो ये भी देखे हमने ये मिट्टी के बर्तन जो है ये भी उनसे लिए थे, और ये भी हमने ये हाउस भी इनसे लिया था। और इसमें देखे कितनी प्यारी हमने छोटी सी कैंडल लगाई हुई है। और यहाँ पे हमने रखा है हमारा प्यारा सा कैक्टस का प्लांट, और इसके बराबर में देखे ये हमने एक और प्लांट रखा है। मुझे प्लांट्स के नाम तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिनके पता है वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और इसके बराबर में देखे ये वाला जो प्लांट है, ये है हमारी अंगूर की बेल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत शौक़ था वहाँ पे, मैंने नर्सरी में देखा तो मैंने फिर ये अंगूर की बेल ले ली कि अंगूर निकलेंगे तो इसमें हम फिर अंगूरों को भी इंजॉय करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग भी दुआ करें और आप लोग भी दुआ करें कि हमारी अंगूर की बेल जो है वो तेज़ी से बढ़ तो रही है माशाल्लाह, क्योंकि जब हम लाए थे तो इसकी हाइट इतनी थी, और अभी कुछ दिनों में एक हफ्ते में इसकी हाइट देखें ऊपर जा रही है, और इसमें बस जल्दी से ग्रेप्स आ जाए, और कब हम हमारे हाथ के लगे हुए ग्रेप्स खाए फ्रेंड्स। और जितने ज़्यादा अंगूर निकलेंगे उतने ज़्यादा मैं YouTube पे सेल करूँगी। वेरी गुड, आप सेल का काम करेंगी अंगूरों का? मैं बेचूंगी सबको, अंगूर ले ले। जी तो फ्रेंड्स, आपकी भाभी ने तो जो है अंगूरों का बिजनेस शुरू करने का इरादा कर लिया है, लेकिन अब देखते कब आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें अंगूर की बेल के बराबर में ये खूबसूरत सा प्लांट है हमारा,
और ये जो है ये तकरीबन उन्होंने कहा कि ये 12 ही महीने जो है फूल देता है, फ्लावरिंग करता है। और ये देखें इसकी दूसरी बेल पे भी आप देखें कि फ्लावर्स आ रहे हैं रेड कलर के। तो ये जो है इसके फ्लावर्स जड़ते हैं, उसके बाद दोबारा से नए फ्लावर्स इस पर आ जाते हैं। इसके बराबर में हमने रखा हुआ है फ्रेंड्स रात की रानी, और इसके बराबर में हमने रखा हुआ ये एक प्लांट जिसमें ये येलो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसके बराबर में देखें ये हमने रखा हुआ है एक बर्ड स्टैंड, ये भी हम नर्सरी से लाए थे। और ये भी आपको इजीली कोई भी किसी भी नर्सरी से इस टाइप के डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखें हमने ये एक लिया था कि इस कॉर्नर को हम किस तरह से डेकोरेट करें, तो हमें ये अच्छा लग रहा था कॉर्नर पर लगाने के लिए, तो हमने ये भी ले लिया। और फिर इसके अलावा देखें ये जो बॉक्स था जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इस पे मैंने अप्लाई किया है फ्रेंड्स वॉलपेपर। और ये वॉलपेपर लगने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, और आपकी भाभी से भी पूछते हैं कि भाई वॉलपेपर आपको कैसा लग रहा है ये लगाने के बाद। कमाल का चाइना वालों ने बनाया है वॉलपेपर, जिसको करना हो डेकोरेट वो कर सकता है, और बहुत ही इजी है ना इसको लगाना भी। पेपर पीछे का निकाले और स्टिक कर दे जी। तो फ्रेंड्स ये देखे हमने यहाँ पे कितने इजीली इसको स्टिक ऑन कर दिया, ये स्टिकर टाइप है वॉलपेपर है, तो ये हमने चाइना का यहाँ पे स्टिक ऑन कर दिया है। और साइटों पे हमने ब्राउन कलर का यूज किया है चारों तरफ बॉर्डर्स में। तो ये देखे कितना हमने गांव का लुक दिया है, मटकियाँ गांव में मटकियाँ भरते हैं ना पानी से जी, हमने लुक दिया। ये देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखे हमने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन इस तरह से लेके रखे हुए यहाँ पे, और ये देखे छोटी कैंडल्स भी रखी हुई हमने। तो ये हमारा पोर्शन बहुत ही अच्छे से छोटा सा पोर्शन जो है हमारा डेकोरेट हो गया है, और एक इसमें देसी लुक भी आ रहा है साथ साथ में। और ये देखे हमारा फिर यहाँ पे हमने जो है फ्रेंड्स ये पाम ट्री रखा है, और पाम ट्री के बराबर में हमने मनी प्लांट रख दिया है फ्रेंड्स। और ये देखे हमारा मनी प्लांट माशाल्लाह कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आप लोग भी देख के ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। और ये देखे आपकी भाभी ने लाइट्स भी ऑन कर दिए, तो ये लाइट्स जो है अभी आपको सही समझ शायद नहीं आएगी, तो हम तो हम लोग आपसे नाइट इसका बेलकनी का नाइट व्यू भी ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए ये लाइट्स अभी इस तरह से यहाँ पे हमने ब्लिंक ऑन हो रही है, हमने लगा दिए लाइट्स। और ये देखिए ये हमारा पाम ट्री आ गया, इसके बराबर में मनी प्लांट आ गया, और देखिए यहाँ पे भी एक हमने ये प्लांट रखा हुआ है, इसके लीव्स बहुत ही प्यारे हैं आप लोग देख सकते हैं, पर्पल एंड ग्रीन इस टाइप के कलर्स इसमें है लीव्स में, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और एक प्लांट हमने यहाँ पे रखा हुआ है बड़ा सा, और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, और देखे इसमें जो है फ्लावरिंग की जो है ये आप देख सकते हैं ये बूटियाँ आ चुकी है इसमें। अब ये कब फ्लावरिंग करता है तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का फाइनल बेलकनी का मेक ओवर का लुक, और आपको कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। और अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। रुकिए 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 फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी आप लोग नाइट व्यू तो एंजॉय करें, तो मैंने लगा दिया एक क्लिप, और आप लोग एंजॉय करें हमारी बेलकनी का नाइट व्यू, क्या कैसी लगती है।
है।